सेंटर कहाँ है? भज्जी भाजी, सबसे पहले तो भज्जी ब्लास्ट, आप जो है फील्ड पर तो ब्लास्ट करते ही है, लेकिन इस शो में किस तरह का ब्लास्ट होने वाला है आपकी तरफ से, क्योंकि एक सीज़न ऑलरेडी देख चुके हैं लोग, क्या कहेंगे इस बात? हंसी का ब्लास्ट होने वाला है यहाँ पे, यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ों का ब्लास्ट होने वाला है कि जो चीज़ें पहले लोगों ने देखी नहीं है। क्रिकेटर्स को गाना गाते नहीं वो देखा हुआ, डांस करते नहीं देखा है, वो भी लुंगी में, और डायलॉग बोलते हुए नहीं देखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं देखी हैं, तो कोशिश की है कि थोड़ा सा वो झलक वो भी दिखाई जाए। और या इट्स बेसिकली हैविंग फन विद आवर फ्रेंड्स, सिटिंग टॉकिंग अबाउट आवर लाइफ एंड व्हाट वी डू ऑफ फील्ड, सिंपल एज दैट। सर, कैसे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट को लेकर बहुत सारे फैंस हैं, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया भज्जी भाजी के साथ ही? सी, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स होता है वो बड़ा साइलेंट फॉर्मेट है, तो साइलेंट फॉर्मेट में क्या होता है कि आप उनकी परफॉर्मेंस तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनकी लाइफ है, जो उनका रहना सहना और उनकी बोलचाल है, वो नहीं समझ में आती। तो जब भज्जी पा से बात हुई तो कुछ आइडिया था कि ऐसा कुछ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतने बड़े लेजेंड को आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि वो उनकी स्पेस में हो वो चीज़। तो कोशिश यही की है कि उनकी स्पेस, वंस एक बार हमने उनको स्पेस दे दी तो ही इज़ अ हीरो, तो वो मतलब कि एंटरटेनर हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़िया है, और बीइंग पंजाबी तो पंजाबी तो फिर बल्ले बल्ले है ही है, तो और उनकी जो दोस्ती और फ्रेंडशिप इन सब लोगों से इतने सालों की हैं, और मोस्टली सीनियर टू मोस्ट ऑफ देम, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड द काइंड ऑफ इंट्रैक्शन ही हैड विद देम वाज अमेजिंग। तो जब आप शो देखेंगे तो आपको एक एनर्जी की फील आती है, आपको एक उनकी एक ह्यूमन एंगल पता चलता है। भज्जी भाजी, इसके अलावा आपको हमने बहुत सारे शोज़ में देखा है, एंकर करते हुए देखा है, फिर प्रोड्यूज़ में भी देखा हमने आपको, तो काफ़ी अलग तरह की एंकरिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब ऑन फील्ड होते हैं आप, तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था आपका जब आपको मैन ऑफ द मैच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो मतलब शाय फील करते हैं, मतलब जब उनको मैन ऑफ द मैच मिलता है, लेकिन उनको बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आपका ऐसा कोई पहला एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मेरा भी हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में गेम थी, और मुझे याद है कि मैन ऑफ द मैच मुझे मिला था, और बस ऐसा हो गया था कि वो सवाल पूछे जा रहा है और मैं बड़बड़ाए जा रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो गैरी क्रिस्टन की बात कर रहा है तो मैं जॉन राइट की कर रहा हूँ, वो कैलिस की बात कर रहा है तो मैं ब्रायन लारा की कर रहा हूँ। तो एनीवेज, क्योंकि वो एक जो लैंग्वेज बैरियर था मेरे लिए, अंग्रेज़ी वो बहुत बड़ा था, मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं थी उन दिनों, और बट ये है कि कभी शर्माया नहीं हूँ मैं, कि क्योंकि ये मेरी ज़ुबान नहीं है, मेरी ज़ुबान हिंदी है, आई एम प्राउड दैट आई स्पीक माई लैंग्वेज, कि मुझे हिंदी आती है, और यस, और सीखने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे आप अंग्रेज़ी की बात करें, स्पेनिश सीखो, सब लैंग्वेज सीखो, बट अपनी जो माँ बोली है उसका सम्मान करो, पंजाबी हिंदी उसका सम्मान करो, वो मेरी लैंग्वेज है, वो मुझे आती है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। और बस वो घूमते घूमते मैं सीख गया, और अब तो मैं अंग्रेज़ों के सही बिल्कुल अंग्रेज़ी में बात करता हूँ। राइट, इसके अलावा शो के अंदर हमने देखा कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों को बता रहे हो जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स अनकंफर्टेबल होते हैं उस बात को लेकर, अगर आप इस बारे में कुछ? शायद वो अनकंफर्टेबल तब होते हैं अगर वो उनसे कोई ना जानने वाला आदमी वो सवाल पूछे, क्योंकि बहुत सी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो मुझे पता होती हैं, मैं चाहता हूँ कि वो स्टोरीज बाहर आएँ, तो जब मैं पूछता हूँ तो फिर वो अनकंफर्टेबल वाली बात नहीं होती है, क्योंकि हम फिर वो आपस में बात कर रहे हैं, और किस तरीके से उसको वो बात पूछता हूँ, उलझा के बातों में, तो उसको वो जवाब देना ही पड़ता है, और तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ जब तक वो जवाब नहीं देता है, तो यू नो, और मैं चाहता नहीं कि उसको इतने अनकम्फर्ट में डाल दूँ कि वो अगली बार मेरे शो पर ना आए। राइट, सर आप क्या कहना चाहेंगे, भज्जी भाजी की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी कमाल का है, हमने बहुत सारे शोज में देखा है, तो आपने क्या नोटिस किया सबसे ज़्यादा भज्जी पाजी? जी, भज्जी पाजी एक हीरोइक इमेज है, जिस हीरोइक की जब वो होती है जो मतलब कि सात गुण सपन, तो ह्यूमर भी है, एक ऑनेस्टी है, एक दिल से बात करते हैं, और इनका जो लोगों के साथ लगाव है बहुत ही रियल है, तो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। आई थिंक स्क्रीन और कैमरा जो है ना वो ऑनेस्टी को बहुत लाइक करता है, आई थिंक दैट्स व्हाट भज्जी पाजी इज ऑल अबाउट, जो अंदर है वही बाहर है, तो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ही है। बाकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपने देखा, कमाल है, किलर है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब ज़बरदस्त है, तो आई थिंक जो उनकी एबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड जो उनके स्पोर्ट्स में दिखती है, वही उनकी बातचीत और उनकी इंट्रैक्शन में भी दिखती है, तो आई थिंक यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो आपको उस शो में ये आपको मज़ा आ रहा जो देख के, तो आई थिंक इट्स अ न्यू साइड ऑफ भज्जी भाजी। भज्जी भाजी,
अजय भाई जी, जैसे हम लोग सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें, तो कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके सेंस ऑफ ह्यूमर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? यार, जडेजा ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। मुझे लगता नहीं था जडेजा के पास इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, और जड्डू इज़ वे टू गुड, यू नो, ही एक्चुअली मेड मी लाफ सो मच कि मुझे लग रहा था कि मैं उसके शो में आया हूँ, क्योंकि वो गुजराती में जो उसने बातें बोली हैं, एक मैंने उसको डायलॉग बोलने के लिए बोला था, वो उसको उल्टा ही अपने आप इम्प्रोवाइज़ करके कुछ और बोल गया, और उसने वो उस अंदाज से बोला कि हम हंस हंस के गिर गए वहाँ पे। तो अपार्ट फ्रॉम जडेजा, ब्रावो वाज ब्रिलियंट, यू नो, ब्रावो जैसे आप देखते हो रंगीन आदमी है पूरा, उसका रन द वर्ल्ड लेके आया था, और उसके अलावा भी वो मतलब ही इज़ अ चैम्पियन, नॉट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड एज वेल, बट अपार्ट फ्रॉम हिम, यू नो, आई थिंक एवरी वन इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल और पर्सनैलिटी। क्योंकि शेन वॉटसन की बात करूं तो मेरी काफ़ी तू मैदमा होती रहती थी ग्राउंड में उसके साथ, और आज हमें चेन्नई सुपर किंग ने यू नो मौका दिया है टू प्ले टुगेदर एंड टू नो ईच अदर बेटर, सो यू नो आई एम सो ग्लैड दैट वी आर प्लेइंग टुगेदर, यू नो, ऑल दीज वाइल्स, यू नो, उसको मेरे से डर लगता था, मुझे उससे डर लगता था कि हमने ये सब बातें की है कि जब तू बैटिंग करता था मुझे डर लगता था भाई, वो कह रहा था यार मुझे भी तुझे फेस करना अच्छा नहीं लगता था, तो यू नो यू गेट टू नो दीज थिंग्स, तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, यू नो, ग्रेट शोज, यू नो, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, यू नो, आई प्लेड क्रिकेट एंड अगेंस्ट आई प्लेड क्रिकेट, आई गॉट टू नो देम बेटर थ्रू दिस शो। राइट, तो इन फ्यूचर एमएस धोनी और शेन वॉटसन को देखेंगे आपके शो में? या बिल्कुल, यू विल गेट टू सी मेनी प्लेयर्स ऑन दिस शो। राइट, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि थोड़ी बहुत तूतू में होती रहती थी शेन वॉटसन आपके बीच में, तो चेन्नई सुपर किंग की जो बैटिंग है और बॉलिंग है दोनों ने बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुँचाया, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं इस बात को लेकर? Yeah, we have done well as a team, CSK, and CSK is back after 2 years, which is great, and we are playing the final, so hopefully we'll play another one more great game and we get the right result. It is so simple as that. So really nice to be part of CSK and very proud that we have come this far. ओके, लास्टली भज्जी ब्लास्ट के बारे में आपके फैन से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो और अपना फीडबैक दीजिए, और जेन्युइन फीडबैक दीजिए, अगर अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए, नहीं अच्छा लगा तो बताइए हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। थैंक यू।